महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर हमीरपुर गांधी चौक पर रखी प्रतिमा का जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने फूल मालाएं अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर डीसी हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा, एसडीएम शिल्पी बेगटा, एएसपी बलवीर सिंह, AC to DC अनुपम ठाकुर, ईओ विनोद कुमार भी मौजूद रहे। डीसी डॉक्टर ऋचा वर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी के दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए और गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी जी के अहिंसा के मार्ग पर चलने का काम करना चाहिए। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि गांधी जी के दिखाए हुए मार्ग पर हम अग्रसर रहें। जैसे कि स्वच्छता है, स्वच्छता के विषय में हम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे भी अनुरोध अपने जिलावासियों से, सभी से रहेगा, आप इसको और अच्छे से इसका पालन करें, अपने आस पड़ोस को, अपने शहर को, अपने घर को स्वच्छ बनाएं। साथ ही गांधी जी ने जो अहिंसा का मार्ग दिखाया उस पर भी चलें। और इसी के साथ हम फिर से राष्ट्रपिता को शत शत नमन करते हैं। वो को यही संदेश देंगे, स्वच्छता सिर्फ अपने घर की अगर करते हैं, उसी से ही आपका वातावरण, आपका आस पड़ोस, आपकी हवा, आपका जल शुद्ध नहीं होता, स्वच्छ नहीं होता। जल आपने ही लेना है, हवा भी आपने ही लेनी है, तो इसलिए अपने आस पड़ोस को भी आपने साफ करना है, अपने बाजार को भी साफ करना है। घर को साफ करके कूड़ा बाहर नहीं फेंकना है, कूड़ा कूड़ेदान में फेंके ताकि जो है उसका सुचारू रूप से डिस्पोजल हो सके। गांधी जयंती के अवसर पर बास स्कूल खेल मैदान में विधायक नरेंद्र ठाकुर ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ सफाई अभियान में भाग लिया। विधायक के अलावा प्रदेश बीजेपी सचिव विजयपाल सोहारो, मंडल अध्यक्ष बलदेव धीमान, भाजपा नेता तेन सिंह, पंकज सिंह आदि मौजूद रहे। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित की। ठाकुर ने कहा कि गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता अभियान को चलाया जा रहा है ताकि देश स्वच्छ बन सके। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लें। आज शताब्दी के महानायक महात्मा गांधी जी का 149वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी क्योंकि अगले साल 150th महात्मा गांधी की एनिवर्सरी होगी, तो पूरा साल जो है हम इसको महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ स्वच्छता अभियान जोड़कर पूरा साल ये अभियान चलेगा। और महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष शताब्दी में के एक आध बार पैदा होते हैं और अगर हम स्वतंत्र हैं तो सबसे बड़ा योगदान रहा है तो महात्मा गांधी जी का रहा है। हमारा ये फर्ज बनता है, पूरे देश का ये फर्ज बनता है कि इस महानायक को सदा याद रखने के लिए इस तरह के हर साल इनकी याद में कोई ना कोई, चाहे स्वच्छता का है, चाहे पर्यावरण का है, इस तरह के अभियान जो चलाने चाहिए। मैं मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब से वो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के बने हैं, हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं या जिन्होंने आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जैसे सरदार पटेल जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र जी बोस हो गए, उनको बड़े मान सम्मान से उनको याद किया जा रहा है। प्रीवियस सरकारों ने तो कम उनको भुला ही दिया था, लेकिन मोदी जी ने एक बार फिर उन स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनका आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं था कि हमें आज़ादी कैसे मिली है, दोबारा इस अभियान को पूरे जोर शोर से देश में चलाया है। हम ये कामना करते हैं महात्मा गांधी जी जहाँ भी रहें उनकी नज़र हमारे देश पर है और हम उनको हमेशा याद किए जाएंगे, इसी तरह याद करेंगे। धन्यवाद, जय भारत।